प्रदेश के अंदर 538 गौशाला है जिसमें 4 लाख से अधिक गोवंश, और उसके अंदर जहाँ पंचायती राज विभाग अपनी ओर से ग्राम पंचायतों को अधिकार देता है जिसके अंदर योजना बनाएगी 5100-5100 रुपये के हिसाब से सरकार पैसे देगी। वही म्यूनसिपल कमेटी ने भी, कॉरपोरेशन ने भी अपनी ओर से रोहतक के अंदर 7.5 एकड़ में, हिसार में 12.5 एकड़ में, सिरसा में 47 कनाल में और गुड़गांव में 2 गौशाला है लगभग 12 एकड़ ये खोली। और ये एक मैं कह सकता हूँ सामाजिक तौर पर बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम गौ सेवा के अंदर पूरी तौर पर अपने आप को समर्पित करें। सरकार ने उसके ऊपर पहले ही एक योजना बना रखी है पंचायती राज विभाग द्वारा, मगर उसके साथ साथ जो माननीय सदस्य का सवाल है उसके ऊपर ये और जानकारी मैं इनको देना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से पशु मेले प्रदेश के अंदर बंद है और अभी भी 30 ऐसी निर्धारित जगह हैं जिनमें 300 से अधिक पशु मेले प्रदेश में लगते हैं। अगर आने वाले समय में कोई प्रस्ताव किसी भी ब्लॉक से आएगा कि वहाँ पर पशु मेले लगाने की अनुमति दी जाए तो विभाग जरूर उस पर विचार करे। सारे यहाँ विधायक जितने साथी बैठे हैं सब ये संकल्प लें और अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी ग्राम पंचायत हमें पशु फाटक या गौ गृह के लिए जमीन दे सकती है उसका प्रस्ताव ला कर दें। हम उनकी आर्थिक सहायता भी करेंगे और वहाँ पर इस तरह के पशु फाटक और गौ गृह बनाने का काम करेंगे। जुलाना के शादीपुर के अंदर उद्योग कुंज योजना के माध्यम से 13 उद्योग कुंज स्थापित पूरे जो हरियाणा में किए जा रहे हैं उसमें एक शादीपुर के अंदर है जिसके अंदर 27 छोटे MSME डेवलप हो चुके हैं, 8 इम्प्लीमेंटेशन में हैं और 14 प्लॉट अभी वहाँ खाली है और आने वाले भविष्य में जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आएगी उनके माध्यम से इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। उसके साथ साथ क्योंकि जींद जिला हमारे अमृतसर, कलकत्ता और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, इसके अंदर भी HSID द्वारा जींद में भी नरवाणा के अंदर आगे उद्योग लगाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। 4 एकड़ जमीन हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है कोई भी उपमंडल बनाने के लिए, उसके अंदर उससे फालतू जमीन की व्यवस्था वहाँ से डिप्टी कमिश्नर ने भेजी थी क्योंकि नॉर्म्स स्पेसिफिकली 4 एकड़ कहते थे। हमने उस पर पिछले दिनों निर्णय भी ले लिया है कि उस नॉर्म्स के अंदर 4 एकड़ से ज़्यादा भी व्यवस्था कोई लैंड की हमें देगा उपमंडल बनाने के लिए जहाँ जहाँ बनने हैं। और आप वाले का भी मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि अगले 3 महीनों के अंदर उसका हम अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करें।